दोस्तों आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का पीना आम हो चुका है। कहा जाता है कि इन्हें पीने से इंसान की खोई हुई एनर्जी तुरंत वापस आ जाती है और इंसान काफी एक्टिव हो जाता है। इन्हीं ड्रिंक्स में से एक ड्रिंक्स है रेडबुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रेडबुल को कैसे तैयार किया जाता है, इसे पीने से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, क्या सच में रेडबुल में स्पर्म मिलाया जाता है, अगर हाँ तो कितने क्वांटिटी में मिलाया जाता है, या फिर रेडबुल का इतिहास क्या है? वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रेडबुल के बारे में हर एक बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेडबुल कोई अमेरिकन ब्रांड नहीं है, बल्कि इसे थाईलैंड के आम इंसान ने खेतों में काम कर रहे लोगों के लिए बनाया था, जो सारा दिन काम करने के बाद थक जाया करते थे। थाईलैंड के लोग इस ड्रिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जब 1986 में ऑस्ट्रिया का एक वैज्ञानिक काम के सिलसिले में थाईलैंड गया, काम करते करते वैज्ञानिक के सर में दर्द होने लगा, लेकिन उस दौरान उसे कोई दवा नहीं मिली। तभी एक शख्स वैज्ञानिक के पास आता है और उससे कहता है कि ये रेडबुल नाम की दवा पियो, इससे तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी। वैज्ञानिक ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि उसे कहा गया था और जल्द ही उसका सरदर्द बिल्कुल ठीक हो गया। वैज्ञानिक इस ड्रिंक का दीवाना हो गया और इसे बनाने वाले शख्स के पास पहुंच गया। वैज्ञानिक ने रेडबुल बनाने वाले से कहा कि हमें इसे यूरोपियन देशों में भी बेचना चाहिए, लेकिन वो शख्स बहुत सादा आदमी था, लेकिन उसे वैज्ञानिक का आइडिया बहुत पसंद आया और फिर इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत कर दी। वैज्ञानिक ने सोचा कि अगर वो इसे आम कोल्डिंग बता के बेचेगा तो इसका सामना कोको कोला से होगा, जो कि पहले से ही मार्केट में काफी ज्यादा बिक रही थी। लिहाजा उसने बहुत चलाकी से इस ड्रिंक का नाम एनर्जी ड्रिंक रख दिया। शुरुआत में तो वैज्ञानिक ने सोचा कि इसे कांच के बोतल में बेचा जाएगा, लेकिन फिर इन दोनों ने मिलकर सोचा कि हमें इसकी एक अलग पहचान बनानी चाहिए, इसीलिए इसे सिल्वर और पिंक रंग के कैन में बेचना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते ये ड्रिंक यूरोप के कई सारे देशों में फैलने लगा, लेकिन इसे सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया। इसने अमेरिकन मार्केट में उतरते ही तहलका मचा दिया। शुरुआती दौर में रेडबुल की बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई, इसे शराब के ठेकों पे और क्लब में फ्री में बांटा गया, और जब इन्होंने देखा कि अब नौजवान पूरी तरीके से इसके दीवाने हो चुके हैं, तब इसे फ्री में देना बंद कर दिया गया। लेकिन रेडबुल के इतिहास में एक ऐसा वक्त भी आया जब इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और इस पे बैन लगाने वाला देश जर्मनी था, क्योंकि वहां किए गए एक रिसर्च में इसके अंदर 0.4% कोकीन पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसे पी के लोग इसे पीने के आदि हो रहे हैं और लोगों को इसकी लत लगती जा रही है। कोर्ट में ये केस 2 सालों तक चलता रहा, लेकिन 2 साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया, या फिर यूं बोले कि रेडबुल ने इस केस को जीत लिया। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इसे केवल एक बार पीने पे आपके शरीर में क्या फर्क आता है, जिसे सुनके आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे पीते ही शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं कंपनी का यह कहना है कि रेडबुल पीना केवल वैसे ही होता है जैसे कि कॉफी पिया जाता है, क्योंकि रेडबुल में कॉफीन की उतनी ही तादाद मौजूद है जितनी कि कॉफी में होती है। लेकिन कभी कंपनी ने यह नहीं बताया कि रेडबुल में पाए जाने वाली और भी चीजें इंसान के शरीर पे कितना असर करती हैं। यही कारण है कि नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों ने इस पे बैन लगा दिया है। वहीं कुवैत में इसे 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं पी सकते। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि साल 2020 में इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उतने ही क्वांटिटी के रेडबुल के कैन बेचे गए थे। जी हाँ दोस्तों, तभी तो रेडबुल आज दुनिया के सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। आप इनके प्रॉफिट का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि एक रेडबुल की कीमत केवल 7 रुपए होती है, जबकि इसे 120 रुपए में बेचा जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रेडबुल कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में पानी भरा जाता है और इस बड़े से कंटेनर में टोरीन ऐड किया जाता है। इसके साथ ही इसमें कैफीन, सोडियम सिट्रेट, साथ ही और भी कई सारे कंपाउंड डाले जाते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स के वजह से ये हमारे शरीर में एनर्जी बनाते हैं। रेडबुल के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि हर देश में रेडबुल अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अब फाइनली एक अच्छे से मिक्सचर के बाद एक लिक्विड तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसके जांच की। इस लिक्विड की अच्छी तरीके से जांच की जाती है और जब ये जांच में पास हो जाता है तो इसकी पैकिंग की जाती है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्या रेडबुल में सच में स्पर्म मिलाया जाता है या फिर नहीं। दरअसल रेडबुल में स्पर्म वाली बात तब लोगों में सबसे ज्यादा फैली जब लोगों को पता चला कि इसके अंदर टोरीन डाला जाता है। अब लोगों को टोरीन से प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि ये पहले के समय घोड़े के स्पर्म से निकाला जाता था। आपको बता दूं कि टोरीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई सारे एनर्जी ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बगैर एनर्जी ड्रिंक्स बन ही नहीं सकते। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हुआ कि सभी एनर्जी ड्रिंक्स में स्पर्म मिलाया जाता है, लेकिन आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में टोरीन इंसान के शरीर से या फिर स्पर्म से नहीं निकाला जाता, बल्कि इसे वैज्ञानिक बनाते हैं और बनाए गए टोरीन का इस्तेमाल इन ड्रिंक्स में किया जाता है।